कोरोना महामारी की मार झेल रही प्रदेश की शहरी जनता को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जल्द लागू होने वाली है। ये योजना कैसे गरीब शहरी परिवारों के लिए आजीविका जुटाने में सहारा बनेगी, देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना ने शहरों में निम्न आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका को खास प्रभावित किया है। इनमें थड़ी ठेले वाले, फल सब्जी और अन्य सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे ही शहरी परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है, जो मनरेगा की तर्ज पर लागू होने जा रही है। इस योजना में शहरी बेरोजगारों को एक साल से अधिकतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वायत्त शासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने योजना को लागू करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इस योजना के लिए पात्रता क्या होगी और आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। इस योजना में शहरों में रहने वाले हर परिवार के 18 से 60 साल की उम्र के सदस्यों को रोजगार मिल सकेगा। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा। जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जाएगा। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है, उनका जन आधार कार्ड तैयार करने के लिए सभी शहरों में 1 मई से अभियान चलाया जाएगा। जन आधार कार्ड से ही योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा। शहरी निकायों के कार्यालय, जोन कार्यालय और ई मित्र सेंटर पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी। रोजगार मांगने पर अधिकतम 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। आवेदक परिवार निकाय के जिस जोन या वार्ड में रहता है, उसे प्राथमिकता के आधार पर उसी क्षेत्र में रोजगार दिलाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा। रोजगार के तहत किए गए काम का भुगतान उसके बैंक खाते में किया जाएगा। ये भुगतान 15 दिन का काम पूरा करने के बाद से अगले 15 दिनों में किया जाएगा और श्रम विभाग की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिकतम उन्हीं कामों में रोजगार दिया जाएगा जो शहरी निकायों में संविदा के माध्यम से कराए जाते हैं। कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 रखना प्रस्तावित है। इसी तरह विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री लागत और तकनीकी विशेषज्ञ या कुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 रखा जाना प्रस्तावित है। इस योजना में सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण और उद्यान की देखरेख में काम कराए जाएंगे। फुटपाथ, डिवाइडर और सार्वजनिक स्थानों पर लगे पौधों को पानी देने और रखरखाव के काम कराए जा सकेंगे। परंपरागत जल स्रोतों जैसे तालाब, टांके, बावड़ी, जोहड़ की मिट्टी निकालने, सफाई और सुधार के काम कराए जा सकेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत और सफाई संबंधी काम कराए जा सकेंगे। घरों से कचरा संग्रहण, डंपिंग साइट पर कचरे को अलग करने का काम, शौचालयों की सफाई और रखरखाव के काम कराए जा सकेंगे। नाला नालियों की सफाई, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ कार्यों में मलबा हटाने और सीवर से संबंधित काम कराए जा सकेंगे। अतिक्रमण हटाने, अवैध बोर्ड होर्डिंग्स या बैनर हटाने, सार्वजनिक स्थानों पर पुताई और पेंटिंग के काम कराए जा सकेंगे। गौशालाओं में श्रमिक कार्य, निकाय कार्यालयों में कई काम कराए जा सकेंगे। निकायों की भूमि की सुरक्षा, उस पर चार दीवारी बनाने या तारबंदी करने, पार्किंग स्थल के प्रबंधन और बिजली से जुड़े काम कराए जा सकेंगे। आवारा पशुओं को पकड़ने, उन्हें रखने और प्रबंधन के काम कराए जा सकेंगे। इसके अलावा उद्यानिकी, कृषि, वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार करने का काम, जल संसाधन विभाग के अधीन नहरों के निर्माण और मरम्मत के कार्य कराए जा सकेंगे। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना में जन प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शहरी निकाय के आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी जन प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही कार्य चिन्हित करेंगे। बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के प्रत्येक वार्ड के लोगों को काम दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।